मैं जो बाहर गया थी जो मैं थोड़े थोड़े दौरे पेंदे थी ते वो तो मैं वापस आ गया फिर तो मैं ज्यादा हो गया मैं उन्हें मेरे टेस्ट किए थे उन्होंने मेरे के लिए बीमारी है मैंने इधर महसूस होया कि मेरे को टी शर्ट के बाहर चल गई है। भाई क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खलवाड़ा पिंड को। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 11 साल से आपको मिर्गी का दौरा पड़ता था। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ जब ये दौरे पड़ने आपको शुरू हुए और कैसी उस समय आपकी हालत थी आप खुद बताएं अपनी गवाही में? पहला मैं जब बाहर गया थी तो मैं थोड़े थोड़े दौरे पेंदे थी ते वो तो मैं वापस आ गया फिर तो मैं ज़्यादा हो गया मैं वो तो हाँ जी ज़्यादा होंदा गया। आपने अपनी गवाही में बताया कि 11 साल पहले ये मिर्गी के दौरे पड़ने आपको शुरू हुए, शुरू शुरू में तो ये थोड़े थे मगर जैसे जैसे इस प्रॉब्लम का और ज़्यादा समय बढ़ता गया ये प्रॉब्लम आपकी और बढ़ती गई। हाँ, और जब आप डॉक्टरों के पास गए डॉक्टरों को चेक करवाया तो डॉक्टर हाँ, क्या कहते थे उस समय आपको? उन्हें मेरे टेस्ट किए थे उन्होंने मिर्गी की बीमारी है। और आपको मेडिसिन दे देते थे, मेडिसिन खाने के द्वारा आपको आराम मिलता था कोई भी? नहीं जी, कोई आराम नहीं मिलता था। और एक दिन में भी आपको दौरे पड़ जाते थे, कई कई दिन पड़ते रहते थे, कई दिन बंद हो जाते थे फिर लगातार शुरू हो जाते थे, ऐसे ही आपकी समस्या ये बनी हुई थी। हाँ जी। और जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में बताया कि आप बिल्कुल भी सफर अकेले नहीं करते थे, आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आपके साथ ही जाता था। हाँ जी। क्योंकि कोई समय नहीं रहता था, किसी भी समय ये मिर्गी का दौरा आपको पड़ जाता था। हाँ जी। और आपने बताया कि जब इस समस्या से आप जूझ रहे थे उस समय आप बहुत परेशान हो चुके थे, आप दवाइयां खा रहे थे मगर कोई आराम नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। और उसके बाद किसी ने आपको और चर्च के बारे में बताया। हाँ जी। तो उसके बाद आपने और चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। और जिस दिन आप पहली बार और चर्च में आए थे परमेश्वर की हजूरी में, फर्स्ट टाइम आपने कदम रखा परमेश्वर के भवन में, तो उस दिन क्या देखा आपने, यहाँ पर क्या सोचा, क्या चल रहा था आपके मन में उस दिन, बताएं अपनी गवाही में? मैं घरों सोच के आया कि अज मैं ठीक होकर ही जाना है कि बाकी मैं गवाइयां देखता लोग ठीक होकर जाते हैं ते मैं भी ये ठीक होके ही जाना है यहाँ। और ब्रदर आपने बताया कि 12 दिसंबर 2021 को आप परमेश्वर की हजूरी में चर्च में आए, उस दिन आपने ये बताया कि आपने अपना व्हाइट कार्ड बनवाया प्रेयर करवाने के लिए। हाँ, और उसी दिन इस भाई के लिए लेहन प्रार्थना की गई। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखेंगे। और भाई जब आपके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रेयर की गई उस समय क्या महसूस किया, क्या फील किया आपने अपने शरीर में? मैंने इधर महसूस होया कि मेरे को टी शर्ट के बाहर चल गई है। और उसके बाद आपने बताया कि 7 महीने हो चुके हैं अब वो मिर्गी का दौरा जो 11 साल से आपको पड़ता था, किसी भी समय वो दौरा पड़ जाता था, अब 7 महीने हो चुके हैं परमेश्वर के दास के द्वारा जब आपके लिए लेहन प्रार्थना की, उसके बाद अब 7 महीने से वो मिर्गी का दौरा आपको कभी भी नहीं पड़ा। हाँ जी। भाई इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई है, आपको मिर्गी के दौरे की बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया, क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर की महिमा के लिए जो लोग आज पहली बार चर्च में आए हैं या फिर ऑनलाइन लाइव माध्यम के द्वारा अमृत संदुमनिसी के साथ जुड़े हुए हैं जो पहली बार देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप? मैं यही कहना चाहना कि परमेश्वर से अड़े रहते हो, खड़े रहो, परमेश्वर बने रहो, परमेश्वर सब कुछ कंधी सांभर रखता है। तारीफ करें जोर से, सचमुच वो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत रखते।